तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है राष्ट्रवाद ट्रिपल तलाक इस्लामिक स्कॉलर, और इनके चैनल का नेम है टाइम्स नाउ नव भारत। तो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। तीन तलाक कानून मजहब के खिलाफ था। आप हमें बताइए ना, तीन तलाक का कानून मजहब क्या हो रहा है? हम कभी झांकने के लिए गए हैं साहब? आप ही के पास हूँ। हमने कभी किसी किसी नादिया शांत रहिए। तीन तलाक हमें आप बताइए, हमने किसी पर आप घुमा फिरा के मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ था, या मुस्लिम बेटियों मुस्लिम औरतों की भलाई के लिए था? आपको 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 सही जानकारी नहीं है। आप जो लोग कानून बना रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक यही लोगों को दिखाते रहे। उनके पास नहीं थी बुलेट ट्रेन, उनके पास नहीं था, उनके पास नहीं थी 200 करोड़ नौकरियां, उनके पास नहीं था कुछ भी। हमें आप बताइए, नाजिया देखिए नाजिया से मेरी कोई बात नहीं है। राकेश भाई सुन लीजिए, नाजिया जैसी आजाद ख्याल लड़कियों को आप मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ दें। एक मिनट रुकिए। अच्छा रुकिए, एक मिनट सुनिए सामने। अरे सुनिए अरे सुनिए अरे सवाल सुनिए ऊपर लेकर के अजारी साहब, एक सवाल सुनिए। मुसलमानों को इस्लाम को टारगेट करवाते हैं। अभी करवाते हैं करिए। हम यहाँ तोहीन सुनने के लिए नहीं है, नहीं आए हैं। समझ में आया नहीं आपके? राकेश भाई आप हैसियत में रहिए। मैं आपसे साफ लफ्ज में कह रहा हूँ, आप ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली नामोनिहाद मुस्लिम लड़कियों को ला करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा। आपको बहुत हो गया ये राकेश भाई, कब तक आप इन आजाद आवाज डाउन करिए सबकी। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। हजारी साहब, मैंने इसलिए आवाज डाउन करवाई क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। नंबर दो बात, मेरी हैसियत मत देखिए ना, तो मेरी हैसियत देखने की आपके अंदर हिम्मत है? तो एक बात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मेरी हैसियत मत देखा करिए, नंबर एक बात। और कोई पैनलिस्ट मेरी हैसियत ना देखा करे, हैसियत देखने और दिखाने के लिए आपको डिबेट में नहीं बुलाते हैं। और नंबर दो बात, आपने कहा कि नाजिया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिला की कोई जगह नहीं है क्या? मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं। आप झूठ बोलते हैं। आप हैसियत देखने की बात पर आ गए। आप कह रहे हैं नाजिया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? या महिलाएं आजाद ख्याल की नहीं हो सकती है इस्लाम में? अपनी आवाज खोल करके रखते हैं आप, झूठ आप बोलते हैं। ठीक है दानिश, दानिश ये नहीं बोलेंगे। दानिश अब रुक जाइए, अजारी साहब रुक जाइए। दानिश इतनी देर से और बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। नाजिया रुक जाइए। दानिश दो बातें, रुक जाइए नाजिया। क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? जो बात अजहरी कह रहे हैं कि क्यों इतना तूल दिया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है नाजिया को, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो ओवैसी साहब ने कही, ये बार बार दाढ़ी टोपी शेरवानी ये सब बातें करके लगता है कि मुसलमान आपके पक्ष में वोट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुभाष जी ने जो भाषा में बात कही, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये कहा कि जिनको परेशानी है वो चले जाएं। तो मोहतरमा, अगर आपको परेशानी है तो आप भारत से जहाँ जाना चाहे वहाँ जाएं। हम तो 47 में नहीं गए, तो अब 47 सेकंड भी बाहर नहीं जाएंगे अपनी मर्जी के बिना, नंबर एक की बात। दूसरे नंबर की बात, अगर किसी मजहबी उलमा ने ये बात कही है एजुकेशन को लेकर,
तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये बेचारे अंधभक्त हैं, ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन समझते नहीं है, बस वो अंधे में चले रहते हैं कि राम राज आ गया, राम राज अच्छी बात है, राम राज आ जाए, राम राज के तरीके से आए वो ज्यादा बेटर है, पर मुझे लगता है कि संविधान सबसे सटीक और सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपर है, और उसी संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक मिले हैं अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, रिलीजियस ग्राउंड पर भी और सोशल ग्राउंड पर भी। तीसरे नंबर की बात आपने कही कि भाई महिलाओं के मुसलमानों के होने की बात कही, तो देखिए मैं आपको बताऊं इसके अंदर में कि इस्लाम के अंदर में हमारे यहाँ महिला या पुरुष का सात जन्मों का साथ नहीं होता। अगर कहीं कोई कहीं किसी शौहर कोई शराबी मिल गया तो दानिश ये सवाल ही नहीं था कि कितने जन्म का साथ होता है, दानिश सवाल ये था कि क्या इस्लाम में आजाद ख्याल वाली महिलाओं की जगह नहीं है क्या, मत करिए सवाल ये जो अजहरी साहब कह रहे थे नाजिया को लेकर। देखिए सुनिए मेरी बात, शिवराज सिंह की बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूं, एक मिनट सुनिए 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 मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको जवाब दूं, सवाल यहां ये है, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दूं, सवाल यहां ये है कि इस्लाम अपने आप में आजाद है, लेकिन शरीयतन जो बैरिकेड्स हैं वो मेरे लिए भी हैं और महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुष के लिए भी हैं, तमाम लोगों के, लेकिन अगर तुम अल्लाह के रसूल के कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे या कुरान को कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो मुझे लगता है कि शायद उसी लहजे में अजहरी साहब ने कहीं कहने की कोशिश की है, वो अपनी बात खुद रखें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आप देख लीजिए जिस दौर में अल्लाह के रसूल ने नबूवत का वो ऐलान हुआ, सबसे पहले महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा जो सुनिश्चित की वो आप देख लीजिए तारीख में, और किसी मतलब दानिश शुभ रास्ता आपसे कुछ कहना चाह रही है सुन लीजिए, बात की जाए दानिश महिलाओं को सबसे आपकी बात पर जो आपने शुभ रास्ता को कोट किया उस पर कुछ कहना चाह रही है फिर आप उनका जवाब दे दीजिएगा। शुभ रास्ता राकेश जी मुझे लगता है दानिश जी की आदत हो गई है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो रखना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए भारत छोड़कर पाकिस्तान। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन उलेमाओं को ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से उनकी बेटियों की इज्जत नहीं मिल पा रही है उनको, या उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, या उनके लिए अलग स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं, वो उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा देश के सेक्युलर संविधान से संगत नहीं है। मैंने उनके बारे में कही, लेकिन दानिश कुरैशी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और जो ब्रीफ उनको देकर भेजा जाता है टेलीविजन चैनल पर, वो अपने ब्रीफ पर अमल करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। ये मेरे खिलाफ ही क्यों, ये नाजिया के खिलाफ भी बोलेंगे। ठीक है, आज आपके डिबेट में एक तेज तर्रार अच्छी अपने विचारों की प्रवक्ता को ऐसा कह दिया गया कि ये खुले ख्यालों वाली लड़की है, और क्या आप और हम राकेश जी नहीं समझते कि जिस भाषा में इसका प्रयोग किया गया उसका इस बात पे दानिश कुरैशी का तो मुंह नहीं खुला, तब तो इनको नहीं लगा कि हमारे समाज की एक मुसलमान बच्ची को यहाँ बैठ करके जो जवाब दिया जा रहा है। दरअसल उनको ये पता ही नहीं है, दिक्कत क्या है शुभराष्ट्र जैसे लोगों की, उन्होंने संविधान न समझाए न जाना है, आर्टिकल 30 अगर पढ़ लेती तो उनको समझ में आ जाता कि भाई अपने अपने इंस्टीट्यूट बनाने की सत्ताएं हैं और वो सत्ताओं का इस्तेमाल करके चाहे मदनी जी हो चाहे ओवैसी साहब हो हर लोग कर सकते हैं, लेकिन इनको आपत्ति है कि या तो इनको ज्ञान नहीं है या तो फिर इस देश के अंदर में ध्रुवीकरण की राजनीति के जो एजेंडा लेके ये चल रहे हैं उसके चलते ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इससे विशेष तो कुछ भी नहीं है। कोई चला जाएगा जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना सटीक है सचेत है जिसमें जगह है हमारे पास, तो क्यों कोई जाने की बात करेगा और क्यों देश से जाने की बात करती हैं आप? आपको शर्म नहीं आती देश के नागरिकों के साथ में इस तरह की बदहाली की बात? प्लीज दानिश कुरैशी ये शर्म मदनी को आनी चाहिए कि इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, किसी नागरिक के लिए कहना चाहिए था उनको। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जो टाइटल था उससे रिलेटेड शायद पूरी डिबेट में बात हो, लेकिन इस इतनी सी शॉर्ट सी वीडियो में कोई बात नहीं हुई है ट्रिपल तलाक वगैरह के बारे में। खैर अगर इसके ऊपर मैं बात करूँ तो मैं यही कहूंगी कि हमने जितनी भी डिबेट्स वगैरह की इस टाइप की वीडियोज सुनी है ना जो न्यूज चैनल्स पे ऐसे मंगवाए जाते बुलाए जाते हैं दोनों साइड के लोग, वो भाई उनमें बिल्कुल पैशन नहीं होता। कोई पैशनेट जो लोग हैं या जिनमें कोई पेशेंस हो वो उनको बुलाया करें, मतलब इनको तो बिल्कुल तरीका ही नहीं है, कोई एटिकेट से नहीं है, कोई इनको मतलब पता ही नहीं है, आदाब ही इनमें नहीं है कि किसी के शो में जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या बातें करते हैं, या नेशनल टीवी पे हमने क्या बातें करनी है, ये तो इंटरनेशनली जारी सी बातें देखा जाता है, तो मतलब इनको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। तो आप प्लीज जब भी किसी को बुलाएं ये रूल रखें कि पहले एक साइड की बात होगी उसके
रिप्लाई में दूसरी साइड का बंदा जो है वो बोल सकता है, मतलब ये ऐसे आपस में बोले जा रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। खैर ये मौलवी जो थे उनकी अगर मैं बात करूँ, मौलवी थे ना, मुफ्ती थे ना, तो अगर उनकी मैं बात करूँ तो जो इन्होंने नाजिया इलाही के बारे में जो कमेंट किया, बेशक वो जो भी है उनका ये उनका स्टेटमेंट है, वो जो भी स्टेटमेंट बोलती है ये उनका कहते ना कर्तव्य है, जो भी वो करती है या जो भी वो दिखाती है जो भी बोलती है वो उनका मसला है। आप ये नहीं बोल सकते आजाद ख्याल इससे मतलब यार, अब जितने भी नॉन मुस्लिम हैं या जितने भी हिंदूज हैं जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो फिर इस्लाम को गलत ना कहें तो फिर क्या वो क्या कहें, जब मुफ्ती ही ये बोलेंगे कि आजाद ख्याल लड़कियां जो हैं उनको बुला के आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब ये तो एक सरासर जो है आपने धब्बा लगा दिया इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम जो है आजादी को बिल्कुल वो नहीं करता, हाँ पसंद नहीं करता, इस्लाम में आजादी है ही नहीं, जो कि सारे नॉन मुस्लिम कहते हैं एक्स मुस्लिम कहते हैं, आपने उस बात को प्रूव कर दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं, मैं जितना भी इसको वो करूंगी सब लोग ये कहेंगे कि जलेबियां ही बना रही है, क्योंकि इनके मुफ्ती ये कह रहे हैं इनके मौलवी ये कह रहे हैं, तो इस तरह के मौलवी और मुफ्तियों की वजह से जो है ना इस्लाम बदनाम होकर रह गया। इस्लाम हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे वो दानिश जी ने कहा, मुझे उनकी बात काफी अच्छी लगी कि इस्लाम में ने सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया था वुमेन को और बच्चों को, और किसी रिलीजन ने या किसी इस्लाम से पहले कभी ऐसा नहीं था, और यही हकीकत है। अब वही बात कि शरीयत में जो चीजें कुछ आ जाती हैं ये अपनी तरफ से मौलवियों ने मुफ्तियों ने बनाई हुई है कुछ हदीसों को देख के या कुछ मतलब इन चीजों को लेकर, तो ये इनके ऊपर है। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है कि औरतों को बंद करके रख दो, कैद करके रख दो, बाहर ना उनको निकलने दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उससे ज्यादा और मैं इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोल रही। बिल्कुल, और एक दफा हमने पहले भी एक वीडियो की उसमें भी हमने मुफ्ती के बारे में यही बोला, मुझे तो समझ नहीं आती ये मुफ्ती उठा के कहाँ से लेके आते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है या पता नहीं क्या है, या जिस गलत अंदाज में जो है ये इस्लाम को पेश करते हैं। जब हम एक्स मुस्लिम्स की वीडियो देखते हैं तो उनकी अगर हम ज्यादातर वीडियो देखें, हम कितनी दफा कह चुके हैं कि वो खवातीन को जाके हिट करती हैं, कि जितने मतलब जो चीजें खवातीन के बारे में होना, जैसे चार शादियां हो गई या तीन तलाक हो गई या बहत्तर हो गए, जो वीक पॉइंट्स होते हैं ना ये उनके ऊपर जाके बात करती है। और जब उनके सामने इस किस्म की वीडियो आएगी कि एक मुफ्ती, अगर एक खातून है फॉर एग्जाम्पल, हम ही हैं, हम अपने लिए बात करें कि हमें ये आजादी होनी चाहिए या हम अपने हकूक के बारे में बात कर दें, और ऐसे मौलवी बाद में आके कहें कि नहीं ये तो बहुत आजाद ख्याल होगी, ये तो इस्लाम से बाहर निकल गई है, या हमारे ऊपर कोई ऐसा फतवा लगा दे, तो ये तो फिर गलत बात है ना। फिर तो आप इस्लाम को कितनी दफा, यार आप तो हम एक ही बात को रिपीट कर करके हम खुद थक चुके हैं कि ये मौलवी सही तरीके से इस्लाम को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम खवातीन के बारे में इतना सख्त नहीं है। इस्लाम खवातीन के बारे में क्या, इस्लाम वैसे ही इतना सख्त नहीं है जिस तरीके से इन मौलवियों ने जो है वो लोगों के सामने जो है वो पेश करते हैं। पता नहीं ये कब ठीक होंगे, मुझे तो अब इनके दिल कहता है कि सारे जितने मौलवी है ना, एक दफा आपको याद होगा हमने नाजिया इलाही की वीडियो देखी थी जिसमें ये साहिल की आई थी ना, उसके ऊपर तो कह रही थी कि एक मौलवी है, शायद उसका नाम मुझे भूल गया, कि वो जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा चलता है। तो अब मेरा भी दिल कहता है कि इन सब मौलवियों को लाइन में खड़ा करके ना, शायद उसका नाम हजारी था, क्या था मुझे भूल गया, तो इन सब मौलवियों को लाइन में खड़ा करके बंदा जो है ना पीछे से इतने जोर से लितर मारे कि तुम किस तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब खवातीन के बारे में इतनी तुम लोग उनको कहते तंग नजरी दिखा रहे हो कि वो अपने बारे में बात भी ना कर सके। अगर अपने बारे में बात करती है तो तुम उनको कहते हो जी आजाद ख्याल हो गई है, बाहर से उनको फंडिंग आ रही है, बाहर का इनका हो ये हो गया वो हो गया, तो अजीब किस्म की ये मुझे इनकी सोच पे मतलब शर्मिंदगी होती है कि यार ये हमारे मुफ्ती है। सो कह ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल के नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।